नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 150 गांव 150 खबर और देखते हैं गांव की खबरें। पंडारक प्रखंड के खुशहाल चक पंचायत में जेडीयू ने एक सभा का आयोजन किया। मुखिया की अध्यक्षता में हुए सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों की जमकर तारीफ की गई। बाढ़ प्रखंड के मिल्की चक में एनटीपीसी के लिए जाने वाली मालगाड़ी से कोयले की खुलेआम चोरी की जा रही है, लेकिन रेलवे पुलिस इसे लेकर मूक दर्शक बना हुआ है। हालांकि हालात ये हैं कि रेल पुलिस के सामने लोग मालगाड़ी से कोयला उतार रहे हैं। मोकामा में मुस्लिम समुदाय के लोगों को शव दफनाने में काफी दिक्कत हो रही है। दरअसल कब्रिस्तान पर कूड़े की डंपिंग होने के कारण कब्रिस्तान पूरी तरीके से ढक गया। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द इस जगह की सफाई कराने की मांग। मोकामा प्रखंड के मोर पश्चिमी पंचायत के मुखिया राजेंद्र महतो के कहने के लिए मुखिया है, उनका सारा काम इलाके के दबंग करते हैं। पंडारक प्रखंड के डिबर पंचायत के सहनवारा गांव में चल रहे घर घर नल का जल योजना में घटिया किस्म की सामग्री के इस्तेमाल किए जाने का विरोध स्थानीय लोगों ने करना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की। बाढ़ प्रखंड के भटगांव पंचायत को गलत तरीके से खुले में शौच मुक्त किए जाने के मामले में विधान पार्षद धीरज कुमार ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात की। पंडारक प्रखंड में स्वास्थ्य विभाग का हाल बेहाल है। यहां कहने के लिए एक अस्पताल तो खोल दिया गया, लेकिन यहां कोई भी कर्मचारी और डॉक्टर नहीं आते, जिससे मरीजों को दिक्कत हो रही है। बहादुरगंज के शमशेर पंचायत में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कार्य में संवेदक बाल मजदूरी करा रहा है, लेकिन श्रम संसाधन विभाग चैन की नींद सो रहा है। किशनगंज के कोचाधामन प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय धनपुरा में शौचालय शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। स्कूल के शौचालय में प्रधान शिक्षक ने ताला मार दिया है, जिससे बच्चों को काफी दिक्कत हो रही है। सहरसा जिले के सौर बाजार थाना इलाके के रामपुर गांव में भागे लड़का और लड़की को पुलिस ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बरामद कर लिया है। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड इलाके में ठंड के बाद भी प्रशासन ने अलाव जलाने का इंतजाम नहीं किया और न ही प्रशासन ने गरीबों के बीच कंबल बांटे। कनरिया में व्यापारी से हुई लूटपाट के मामले में पीड़ित खाद व्यापारी ने एसपी कार्यालय में आवेदन देकर आरोपियों की गिरफ्तारी और सुरक्षा की मांग की। व्यापारियों ने कहा कि उससे 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है। सहरसा जिले के बनमाई टहरी के घुड़दौड़ पंचायत को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है। इस मौके पर मुखिया राजकिशोर ने कहा कि अब लोग अपने अपने घरों में शौचालय का इस्तेमाल करेंगे। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडल में जेडीयू का एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें संगठन की मजबूती पर बल दिया गया। सुपौल जिले के राघोपुर में एक स्वर्ण व्यापारी से अज्ञात अपराधियों ने फोन करके 35 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की और रंगदारी नहीं देने पर हत्या करने की धमकी भी दी। सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड के भीमनगर के उच्च विद्यालय के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप था कि मैट्रिक परीक्षा फॉर्म भरने के बदले उनसे ज्यादा शुल्क वसूला गया। सुपौल जिले के सदर प्रखंड में आरक्षण न्याय आंदोलन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्वर्ण आरक्षण की मांग को लेकर जिला मुख्यालय के सामने धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा। सुपौल जिले के निर्मली थाने से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारकर 30 बोतल नेपाली शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया। हसनगंज प्रखंड में पशु चिकित्सा केंद्र में बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं है, इससे चिकित्सकों को काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि चिकित्सालय में केवल एक डॉक्टर है। मनिहारी प्रखंड में जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में जिला पार्षद ने प्रखंड को कटाव से बचाने की मांग की। बैठक में पीड़ित परिवार को जमीन देने की भी मांग की गई। प्राणपुर प्रखंड के केवाला पंचायत भवन में किसान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को बर्मी कंपोस्ट खाद के प्रयोग की जानकारी दी गई। बारसोई प्रखंड में 12 सूत्री मांगों को लेकर हिंद खेत मजदूर पंचायत के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने बाढ़ पीड़ितों और गृह विहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन देने और पुनर्वास कराने की मांग की। कोढ़ा प्रखंड में आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए रोज महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। इस दरमियान कई बार लोगों में आपसी नोकझोंक भी हो रही है।
अहमदाबाद प्रखंड में भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक बैठक हुई, जिसमें सरकार के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का फैसला लिया गया। मनसाही प्रखंड में जेडीयू की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन की मजबूती के साथ दहेज प्रथा, बाल विवाह पर विस्तार से चर्चा की गई और इसे समाज से दूर करने का संकल्प लिया गया। बरारी प्रखंड के लक्ष्मीपुर में विद्युत सब स्टेशन का विधायक नीरज कुमार ने शिलान्यास किया। सब स्टेशन के निर्माण के बाद कई गांवों में बिजली की आपूर्ति की जा सकेगी। नैनाटाड़ प्रखंड के इनरवा पंचायत में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने दहेज नहीं लेने और देने की शपथ खाई। मैनाटार प्रखंड में जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बाल विवाह और दहेज उन्मूलन को लेकर 21 जनवरी को बनने वाले मानव श्रृंखला को सफल बनाने पर बल दिया गया। गौनाहा प्रखंड में जेडीयू का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी ने भी भाग लिया। बैठक में दहेज प्रथा, बाल विवाह और शराबबंदी पर जोर दिया गया। मैनाटार प्रखंड के रामपुर पंचायत का उपस्वास्थ्य केंद्र बदहाल है। जर्जर हो चुके उपस्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और कर्मचारियों का कोई अता पता नहीं रहता। मैनाटार प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर पर इन दिनों महिलाओं की भारी भीड़ रहती है। निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए महिलाएं सुबह से ही लाइन लगाकर खड़ी हो जाती हैं। मैनाटार प्रखंड मुख्यालय और बाजार में एक शौचालय का निर्माण नहीं करवाया गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड में जेडीयू का सम्मेलन आयोजित किया गया और कार्यकर्ताओं को 7 निश्चय योजना की जानकारी दी गई। मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड के माधवपुर गांव में एक सभा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। ग्रामीणों ने सीडीपीओ पर अवैध वसूली करने के आरोप लगाए। मुजफ्फरपुर के मुशहरी अंचल में चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने तय समय पर खाद और बीज नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। मुजफ्फरपुर के मुरौल प्रखंड में चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें रबी की खेती के साथ ही किसानों को विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी दी गई। मुजफ्फरपुर के भरतुआ गांव में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें तीनों मंडल के कार्य समिति के सदस्यों ने शिरकत की। मुजफ्फरपुर के मुरौल प्रखंड के पिलखी पंचायत को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है। पंचायत को खुले में शौच मुक्त घोषित किए जाने पर ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर के ब्रह्मपुरा कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं ने शिक्षिका पर शौचालय की सफाई करवाने के आरोप लगाए। नाराज छात्राओं ने इसे लेकर जमकर हंगामा किया। छात्राओं का आरोप था कि विद्यालय के संचालन में भारी अनियमितता बरती जा रही है। उन्हें मेन्यू के मुताबिक खाना नहीं मिलता, बीमार होने पर दवाई भी मुहैया नहीं कराई जाती। औराई प्रखंड के रामपुर पंचायत में एक पिकअप वैन पोखर में पलट गई। घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पानापुर प्रखंड में जेडीयू का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्यमंत्री के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का फैसला लिया गया। तरैया के अमनौर में बने यात्री शेड की हालत जर्जर हो चुकी है। आलम यह हो गया है कि यहां कूड़ा फेंका जाता है, लेकिन इसकी सफाई नहीं होती। अमनौर प्रखंड के अंचल कार्यालय पर भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया और कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप था कि वृद्धा पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन वितरण प्रणाली योजना समेत तो सभी योजनाओं में धांधली हो रही है। तरैया में रेफरल अस्पताल जाने वाली सड़क पर बना पुल जर्जर हो चुका है, जिसमें हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है, बावजूद इसके पुल की मरम्मत नहीं कराई जा रही है। मढ़ौरा के डीएवी पब्लिक स्कूल में आयोजित 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो गया। प्रतियोगिता में जीतने वाले बच्चों को एसडीओ ने पुरस्कार दिए। दिगवारा में संदिग्ध हालत में वृद्ध महिला का शव बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि महिला का शव एक निर्माणाधीन दुकान में रखा हुआ था। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि ठंड से महिला की मौत हुई। शिश व बरही गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन एसडीएम कमर आलम ने किया। राजनगर में जेडीयू का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन मंत्री रमेश ऋषिदेव ने किया। फुलपरास में एसडीओ ने अनुमंडल क्षेत्र में चल रहे विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया। लौकही प्रखंड मुख्यालय पर 9 सूत्री मांगों को लेकर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।
जयनगर में जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में रक्तदान किया। मधेपुरा सदर थाना इलाके के सहगढ़ पंचायत में आपसी जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। एक शख्स घायल हो गया जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मधेपुरा जिले के घिलाड़ थाना इलाके के अर्रहा महुआ पंचायत में यज्ञ का आयोजन किया गया। मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर प्रखंड में व्यापार मंडल सहयोग समिति के चुनाव में सदस्यों ने नामांकन किया। 13 पदों पर 11 लोग निर्विरोध निर्वाचित हुए। मधेपुरा जिले के बिहारीगंज में जेडीयू के विधायक निरंजन मेहता के व्यवहार से नाराज होकर उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूंका और नारेबाजी की। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज नगर पंचायत में सड़कों पर हमेशा नाले का गंदा पानी बहता है जिससे राहगीरों को काफी दिक्कत हो रही है। जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी से लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ग्रामीणों का कहना है कि इसे लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है, उग्र आंदोलन भी किया जा चुका है, बावजूद इसके नालों की सफाई नहीं कराई जा रही। ढाका प्रखंड में जेडीयू कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन सरोकार के काम को जन जन तक पहुंचाने की अपील की गई। ढाका में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के महिला प्रकोष्ठ की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष पूजा सिंह ने किया। बैठक में 30 जनवरी को शिक्षा में सुधार को लेकर बनने वाले मानव श्रृंखला पर चर्चा हुई। बैठक में महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि शिक्षा के प्रति सरकार के उदासीन रवैये से समाज का विकास पूर्णतः बाधित हो गया है। संग्रामपुर प्रखंड के उत्तरी भवानीपुर पंचायत में लाखों की लागत से बना पंचायत भवन शोभा की वस्तु बनकर रह गया। 2014 में बने पंचायत भवन को अभी तक मुखिया के सुपुर्द नहीं किया गया। चिरिया प्रखंड के राघोपुर पंचायत को शिकारीगंज प्रखंड से जोड़ने के प्रस्ताव के खिलाफ ग्रामीणों ने धरना दिया है और प्रस्ताव का विरोध किया। ग्रामीणों ने इसे जनता के साथ धोखा बताया। अरेराज नगर पंचायत से पुलिस ने लावारिस हालत में खड़ी एक बोलेरो बरामद की। पुलिस ने बताया कि गश्ती के दौरान गाड़ी सड़क के किनारे लावारिस हालत में खड़ी दिखी, इसके बाद उसे जब्त कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि गाड़ी पर एक नंबर प्लेट लगा हुआ था और अंदर दूसरा नंबर प्लेट मिला, जिससे लगता है कि गाड़ी चोरी की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। रक्सौल में बेतिया सांसद का मजदूरों ने घेराव किया। मजदूरों का कहना था कि प्रदूषण के नियम को लागू कर क्लिंजर को रक्सौल में उतारा जाए। चौड़ादानों में जेडीयू कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। बैठक में नीतीश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की कार्यकर्ताओं से अपील की गई, इससे सभी को इसका लाभ मिल सके। तुरकौलिया प्रखंड में जेडीयू का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामाजिक उत्थान के कामों की सराहना हुई और इसे समाज को बदलने वाला कदम करार दिया गया। सुगौली में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया जिसमें रेलवे कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच की गई और लोगों को जागरूक रहने की सलाह दी गई। केवटी प्रखंड ग्रामीण बैंक में पैसे की कमी के कारण ग्राहकों को काफी परेशानी हो रही है। शाखा प्रबंधक का कहना है कि ऊपर से कम कैश आने की वजह से ये परेशानी हो रही है। घनश्यामपुर में जेडीयू कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित हो रहा है जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष विनोद मिश्र ने किया। बेनीपुर प्रखंड के पौड़ी में यज्ञ की तैयारी को लेकर मौनी बाबा ने समीक्षात्मक बैठक की। जाले प्रखंड में एएसआई जितेंद्र सिंह को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एएसआई को ठंड लग गई थी, इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुशेश्वर स्थान में जेडीयू कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। कुशेश्वर स्थान के मधुबन गांव में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कुशेश्वर स्थान के उसड्डी पंचायत में जन वितरण प्रणाली की दुकान में अनाजों की कालाबाजारी को लेकर खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने टीम का गठन कर डीलर के खिलाफ केस दर्ज कराया। कुशेश्वर स्थान के पूर्वी प्रखंड के सभी मध्य विद्यालय में लाखों रुपए की गबन का मामला सामने आया है। आरटीआई से इस बात का खुलासा हुआ है। शिकायत के बाद भी दोषी डीओ और शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। केवटी प्रखंड में अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए बना हॉस्टल जर्जर हो चुका है। भवन के जर्जर होने के कारण अब बच्चे यहां नहीं रहते, बावजूद इसके भवन की मरम्मत नहीं कराई जा रही।
केवटी प्रखंड के रैयाम हाट में सालों से हो रहे अवैध भट्टी वसूली को रोकने के लिए एमएसयू कार्यकर्ताओं ने सीओ, डीएम, आयुक्त और विभागीय मंत्री को पत्र लिखा। सराय रंजन प्रखंड के पतौली में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 50 बीपीएल परिवारों के बीच मुफ्त गैस कनेक्शन का वितरण किया गया। इस योजना के तहत लोगों को सिलेंडर, चूल्हा और रेगुलेटर दिए गए। सराय रंजन प्रखंड के गंगापुर गांव में कुपोषण से बचाव के लिए 2 दिवसीय जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के माध्यम से जीविका समूह ने महिलाओं को पूरक पोषाहार के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मोहिउद्दीन नगर प्रखंड में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन एथलीट प्रकृति सिंह ने किया। टूर्नामेंट के माध्यम से पर्यावरण को बचाने की अपील की गई। मोहिउद्दीन नगर प्रखंड में जेडीयू का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में संगठन को मजबूत बनाने और सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने पर चर्चा की गई। कलेर प्रखंड के कामता पंचायत के कई गांवों में आज भी बिजली नहीं पहुंची है, जिससे ग्रामीणों को अंधेरे में रहना पड़ता है। शिकायत के बाद भी आज तक इसे लेकर कोई पहल नहीं की गई। अरवल जिले के बंशी प्रखंड के कई पंचायतों में सिंचाई करने के लिए नहर है, लेकिन नहर की उड़ाही नहीं होने की वजह से सैकड़ों एकड़ जमीन मरुभूमि के कगार पर पहुंच गई है। यह आलम तब है जब सरकार इसे लेकर कई योजनाएं चला रही है। रामपुर वैना पंचायत के मलिया बिघा और अंजान बिघा गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंची, जिसके कारण ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। बेलसंड प्रखंड के मधकोल गांव में बीपीएल परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन का वितरण किया गया। बोखरा प्रखंड के नया टोला गांव में महायज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। बेलसंड और सुप्पी प्रखंड में जेडीयू कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बाल विवाह और दहेज उन्मूलन पर चर्चा की गई। बैठक में अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया गया। सोनवर्षा प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय में कर्मचारियों की मनमानी से ग्रामीण काफी परेशान है। ग्रामीणों का कहना है कि कर्मचारियों की मनमानी से तय समय पर काम नहीं हो पाता है। चौसा प्रखंड के अलग अलग गांवों में शराब पीकर उत्पात मचा रहे 2 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि उसे सूचना मिली थी, इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। चौसा प्रखंड के सिकरौल गांव में सड़क के किनारे खड़ी बाइक से एक बाइक टकरा गई, जिसमें बाइक सवार 2 युवक बुरी तरीके से घायल हो गए। घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। केशव प्रखंड के अंचल कार्यालय में आरटीपीएस काउंटर पर नाम जोड़ने का काम शुरू हो गया है। अंचलाधिकारी ने बताया कि काउंटर पर राशन कार्ड में नाम जोड़े जा रहे हैं। राजपुर प्रखंड के कई गांवों के किसान लगातार खाद की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने इसे लेकर कोई कदम नहीं उठाया। पूर्णिया के रूपौली प्रखंड में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पूर्णिया के भवानीपुर प्रखंड में जेडीयू का प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। पूर्णिया के धमदाहा प्रखंड में चोरों ने विश्वकर्मा मंदिर से पीतल का तराजू चोरी कर लिया। मंदिर के पुजारी ने इसे लेकर पुलिस में केस दर्ज कराया है। इसके बाद पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। पूर्णिया के श्रीनगर प्रखंड में नहर सूखी रहने के कारण विभिन्न पंचायतों के किसानों ने स्टेट बोरिंग की मांग की। सिंचाई का इंतजाम नहीं होने से किसानों को पंपिंग सेट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड में शौचालय निर्माण का काम दलाल कर रहे हैं। ग्रामीण ने बताया कि दलाल 5,000 रूपये में शौचालय का निर्माण कर बाकी पैसा हड़प रहे हैं। इसको प्रखंड के हिसरी पंचायत में मेडिकेटेड मच्छरदानी का वितरण किया गया। इस मौके पर 20 सूत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मलेरिया से बचाव के लिए मच्छरदानी के स्तंभ का इस्तेमाल करें। सेन्हा के नंदगांव में नए साल को लेकर तैयारी की जा रही है। यहां के आकर्षक यहां पर्यटकों को खूब लुभाता है। सेन्हा प्रखंड के जोगना मुंडा टोली गांव में पति के दूसरी शादी की धमकी देने के बाद पत्नी ने आग लगाकर खुदकुशी कर ली। विवाहिता के परिवार वालों ने साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया।
सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी। सदर प्रखंड के खकपरता शिव मंदिर का छात्रों को भ्रमण कराया गया और उन्हें मंदिर की महत्ता के बारे में बताया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कुडू प्रखंड में महिलाओं के बीच रसोई गैस का वितरण किया गया। जाटा में विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने 40 लाख की लागत से बनने वाली सड़क निर्माण का शिलान्यास किया। भवनाथपुरा में एक बाइक सवार ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग वृद्धा पेंशन लेने के लिए जा रहे थे। टक्कर लगने से बुजुर्ग शख्स बुरी तरीके से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें गढ़वा के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। रंका प्रखंड में आरजेडी नेता गिरिनाथ सिंह की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। रंका प्रखंड के सोनदाग पंचायत के गोता टोले में मुखिया ने बच्चों को पोशाक का वितरण किया। मेराल प्रखंड में 20 सूत्री की बैठक हुई जिसमें बीडीओ सीओ और चिकित्सा अधिकारी ने शिरकत की। बैठक में कई फैसलों की समीक्षा की गई। भवनाथपुर में हैंडबॉल प्रतियोगिता में जीत दर्ज कर जिले का नाम रोशन करने वाली दीप्ति गुप्ता और अष्टम कुमारी को सम्मानित किया गया। रंका में बाइक सवार को पिकअप वैन ने टक्कर मार दी। इससे बाइक पर सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भवनाथपुर में स्टेट बैंक के एक खाताधारक के खाते से फर्जी तरीके से रुपए की निकासी कर ली गई। खाताधारक ने बताया है कि उनके खाते से 40,000 रुपए निकाल लिए गए। पीड़ित ने पुलिस में केस दर्ज कर लिया। देवघर के पालाजोरी के मसाहा पंचायत में मुखिया और एएनएम ने ग्रामीणों के बीच मेडिकेटेड मच्छरदानी का वितरण किया। देवघर के मधुपुर में स्काउट गाइड ने 4 दिवसीय गोल्डन जुबली स्टेट रैली का शुभारंभ किया। देवघर के बम्पास टाउन में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई जिसमें कई पदाधिकारी शामिल हुए। देवघर के कुंडा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें कई लोगों ने रक्तदान किया। ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में नारायणपुर के बोरवा मोड़ पर 3 लोगों के बीच पंपिंग सेट का वितरण किया गया। नारायणपुर के पबिया गांव में पुलिस ने छापा मारकर 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। नारायणपुर बाजार में पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाकर कई वाहनों का चालान काटा। नारायणपुर बाजार में एक आम सभा का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न योजनाओं का चयन किया गया। करमाटांड के सुबुदू डी में जेवीएम ने एक जनसभा का आयोजन किया। जनसभा में जेवीएम के कई नेताओं ने शिरकत की। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड में पशु चिकित्सालय कार्यालय परिसर में पशुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जन जागृति अभियान चलाया गया। पाकुड़ जिले के पकुड़िया प्रखंड में कृषक मित्र किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे। पाकुड़ सदर प्रखंड के शहरकोल पंचायत के गोसाईपुर गांव में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन मुखिया चित्रलेखा गौड़ ने किया। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 65 परिवारों को गैस कनेक्शन दिए गए। पाकुड़ सदर प्रखंड के अंबेडकर नगर में उद्यमी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। पलामू के मेदनी नगर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें बीजेपी के कई नेताओं ने शिरकत की। सदर प्रखंड के पोलपोल पंचायत में जिला परिषद के उपाध्यक्ष संजय सिंह ने पंचायत प्रभारियों से मिलकर संगठन को कैसे मजबूत करें इस पर चर्चा की। मनातू प्रखंड के इमरी पंचायत में मुखिया ने शिविर लगाकर कंबल का बंटवारा किया। पांडू प्रखंड में झारखंड प्रदेश पैरा शिक्षक महासंघ की एक बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता अरविंद विश्वकर्मा ने की। पतरातू प्रखंड विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा 18 से 25 जनवरी को धरना देगा। रामगढ़ प्रखंड के बिजुलिया में रेलवे ओवरब्रिज के पास बसे हुए कुष्ठ रोगियों ने बीजेपी नेता से मदद की गुहार लगाई। रामगढ़ के चितरपुर प्रखंड में आयोजित खो खो प्रतियोगिता में रजरप्पा की टीम ने जीत दर्ज की। चितरपुर प्रखंड के रजरप्पा में सीसीएल शक्ति बोर्ड की टीम ने खुली खदान का निरीक्षण किया। किशनगंज के चकला गांव में सेनेटरी मार्ग का जिलाधिकारी ने उद्घाटन किया। किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड में अधिकारियों के साथ कांग्रेस विधायक जावेद आजाद ने समीक्षा बैठक की। बगहा प्रखंड में एसडीएम घनश्याम मीना ने 21 जनवरी को होने वाले मानव श्रृंखला के आयोजन को सफलता को लेकर बैठक की।
बगा प्रखंड के चकनी मलपुरवा में पुलिस ने ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। बगहा में ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी ने पांचवीं तक विद्यालय अगले आदेश तक बंद रखने के आदेश दिए। बगहा प्रखंड में चौकीदार दफादार संघ की बैठक हुई। इस बैठक में पिछले करीब छह महीने से बकाए वेतन भुगतान की मांग पर चर्चा की गई। बगहा प्रखंड के चौतरवा में पुलिस ने विदेशी शराब की खेप के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। बगहा और रामनगर प्रखंडों में जाम के हालात से लोग परेशान हैं। दरअसल NH28 पर गन्ना लदे वाहन खड़े रहते हैं। नौबतपुर में पुलिस ने विभिन्न जगहों पर छापा मारकर 8 शराबियों को नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया। नौबतपुर के पुनपुन नदी के कई बालू घाटों से अभी भी बालू का अवैध खनन जारी है। विक्रम प्रखंड के दनाड़ा गांव में कन्या मध्य विद्यालय जाने के लिए जमीन उपलब्ध हो गई है। पालीगंज के सियारामपुर मुशहरी में पुलिस ने छापा मारकर 5 लीटर देशी शराब के साथ 4 कारोबारियों को गिरफ्तार किया। पथरीसराय थाना पुलिस ने कटौना गांव में एक घर में छापेमारी कर 10 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ZBR झारखंड।